पिछले दिनों रामनगर क्षेत्र के चीरा खदान के पास बने एक मकान में धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद के मामले में विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि दो लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं कि उन्हें प्रलोभित कर धर्मांतरण किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस धाराएं बढ़ाए और धर्मांतरण कराने का केस दर्ज करे। विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस को दी गई जानकारी में यह बात कही है। जय श्री राम। पिछली 1 तारीख को रामनगर के निचले क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर ईसाई मिशनरी संस्था से जुड़े कुछ लोगों के द्वारा जो है वो गरीब और भोले भाले हिंदू परिवारों को धर्मांतरण करवाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ से बाइबल के कुछ अंश, उनका कुछ और साहित्य और उसी के साथ में 16 लोगों के ऊपर जो है पुलिस ने वहाँ पर 188 की कार्रवाई करी थी। उसी मामले में आज 2 युवकों के द्वारा जो है बयान दर्ज करवाया गया है कि उनको लोभ लालच काफ़ी लंबे समय से दिया जा रहा था और रोजगार के लिए उन लोगों को जो है वो गुमराह किया जा रहा था। उसी के लिए उन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था उस दिन 1 तारीख को, और उनको जो है वो धर्मांतरण उनका करवाने का प्रयास किया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अब पुलिस प्रशासन से ये मांग करता है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वर्गीस परिवार, जो कि केरल से खंडवा आया हुआ है और काफ़ी लंबे समय से धर्मांतरण करवाने का जो है वो कार्य कर रहा है, इन सभी के ऊपर और इनसे जुड़े लोगों के ऊपर धर्मांतरण की धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। इनकी कौन सी संस्था है, उनके खातों की जाँच होनी चाहिए, इनके स्वयं के खातों की जाँच होना चाहिए और इनके ऊपर जो है रासुका के तहत भी कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चेतावनी देता है कि मालवा प्रांत के प्रत्येक जिले में। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा। जय श्री राम।